तो प्यारे सज्जनों कि आपके सामने देखो कि एक समय क्या होता है, भगवान राम सीता माता जी को, सीता माता जी को वनवास दे देता है। सीता माता जी वाल्मीकि कुटिया पर रहती है। प्यारे सज्जनों सीता माता वाल्मीकि कुटिया पर रहती है, एक तालाब पर बदन उगाड़ी स्नान करती है। सज्जनों एक दिन भरत भगवान राम से कहता है, अरे के भैया मैं सीता माता से मिलने के लिए बियाबान जंगल में जाऊंगा। सज्जनों भगवान राम मना कर देता है, लेकिन भरत नहीं मानता है। भरत नहीं मानता है, भगवान राम कहता है कि भैया आप तीनों भाई सलाम मला लो। तो अब देखो तीनों भाई सलाम मलाता है और भरत सीता माता से मिलने के लिए बियाबान जंगल में जाता है। आगे क्या होता है सज्जनों? क्या होता है भैया? रे 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 मेले बारत बनी में जावे रे जिया तो गवे रावे धीरे धीरे मेले बारत बनी में जावे रे जिया तो गवे रावे ओ रावे रे ओ साते बांती रे सीता कैसे आरे साते बांती रे सीता एक ताल पे रे सीता माता से मिलने के लिए बियाबान जंगल में जाता है। तो देखो आगे क्या होता है, क्या आप कथा पे ध्यान दे के सुनो, देख बहुत अच्छी कथा है। जे हो आरे लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के नौ सलाम लावे आर सीता सतवन सो मिलवा सीता सतवन सो मिलवा भरत बनी सीता कर तू का आयो ओ आयो भैया अरे एक जानरिया गुण जाबर बैगो अर ऐसो दियो श्राप नरिया मुसर की हो जाजो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न यो तीनों सलाह मिलावे और सीता सतवंती से मिलवा भरत बनी में जावे जावे सीता एक तालाब पर नावे
बात सीता को देखा वे है कोई रघुवंशी को जायो जब सीता के धोखो आयो। अरे जाने या खुण जावे भैग्यो और ऐसो दियो श्राप नारी मुसर की हो जाए जो। सजनो जब भरत सीता माता से मिलने के लिए जाता है तो सीता माता एक तालाब पर बदन उगाड़ी स्नान करती है। जब भरत उस ताल के पास में जाता है तो सीता माता को दिखाता है कि ये रघुवंशी मेरे शरीर को देखने के लिए आ रहा है। तो सीता माता पहले ही शराब छोड़ देती है कि ये रघुवंशी मेरे शरीर को देखे उससे पहले मोसर की नारी बन जाए। जय हो सजनों।